अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिन को देखते हैं, जिसकी बेबी डिलीवरी हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। इनफैक्ट लिन का किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। लिन की डिलीवरी हो रही थी तो डॉक्टर बताती है कि बेबी बॉय हुआ है। दूसरी कहती है अरे ये तो ट्विंस हैं। पहली वाली कहती है ट्विंस नहीं है, 3, 4, 5 पूरे 5 बच्चे हैं। लिन कहती है प्लीज डॉक्टर मेरे 5 बच्चों को सही सलामत बचा लेना, और बेहोश हो जाती है। फिर हम कुछ साल बाद देखते हैं हमारे मेल लीड को, जो कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, मिस्टर गु को। सेक्रेटरी मिस्टर गु को बताता है कि फेमस है अगर डीके ने किसी को आपसे मिलने भेजा है। मिस्टर गु ऑफिस में आ कहता है कहाँ है, तभी चेयर पे एक बच्चा बैठा था और कहता है हेलो डैडी, फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। मिस्टर गु कहता है क्या बोल रहे तुम? वो कहता है आप ही मेरे बायोलॉजिकल डैडी हो, ये देखो डीएनए टेस्ट। मिस्टर गु हैरान। सेक्रेटरी कहता है ब्रो ये तो तेरा ही बेटा है, कहीं ये तेरा इलेजिटिमेट तो नहीं है? मिस्टर गु कहता है तुझे डीके ने भेजा है, वरना बच्चा यहाँ पे क्यों आएगा, तेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 5 साल का हूँ और तुम ही मेरे पेरेंट्स हो। मिस्टर गु कहता है ओके तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है? वो सोचता है अभी मैं मम्मी से नहीं मिलवा सकता, मम्मी गुस्सा होंगी। लिन कंपनी में क्लीनिंग की जॉब कर रही थी, तभी देखती है उसका बेटा वहाँ पे है। वो अंदर जाने लगी थी बट गार्ड्स रोक देते हैं, तो कहती है मुझे अपने बेटे से मिलना है, और उसे आवाज लगाने लग जाती है तो उसका बेटा भागकर उसके पास आ जाता है। वो दोनों हग कर रहे थे, तभी मिस्टर गु लिन को देख लेता है, तो दोनों एक दूसरे को देख हैरान। तुम? फिर हम पास्ट में देखते हैं, स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने लिन से उसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी मॉम की प्रॉपर्टी भी और कंपनी भी, यहाँ तक कि उसकी मॉम का सामान भी तोड़ने लग जाती हैं। लिन कहती है कम से कम मेरी मॉम का सामान तो खराब मत करो। स्टेप सिस्टर कहती है तू अब गरीब हो गई है ना, तो हमने तेरे लिए जॉब ढूंढी है, एक बुढ़ा तेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने के हमें 10 मिलियन देगा। लिन मना कर देती है, तो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट उन्होंने लिन को कुछ नशा दे दिया था, जिसकी वजह से उसका सिर चकराने लग जाता है, और वो उसे पकड़ के होटल के रूम में ले जाने लगती हैं। बट लिन खुद को उनसे छुड़ाकर भागने लगी थी। एक रूम का गेट खुला देखो अंदर घुस जाती है, तो एक लड़के से टकरा गई थी, वही होता हमारा मेल लीड मिस्टर गु, और वो अंदर से गेट बंद कर लेती है ताकि वो दोनों ने देख ले। मिस्टर गु पूछने लग जाता कि तुम कौन हो, बट वो उसे हक कर लेती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। इस तरह से उन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो गया था। मिस्टर गु कहता है इतने सालों बाद तुम मुझे अब मिली हो, अच्छा तो तुम्हारा नाम लिन है। लिन उसे बाहर जाने लगी थी, तो उसे पकड़ के गोद में गिरा लेता है, तो असिस्टेंट बेबी की आंखों पे हाथ रख देता है। वो कहता है पहले तुम बिना कुछ बोले चली गई थी, और अब तुम वापस आई हो एक बच्चे के साथ, तुम मुझे ब्लैकमेल करने वाली हो। लिन कहती है अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम भी तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मेरे बच्चे को लेकर भाग रही हो? लिन कहती है मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है बेबी, चलो मेरे साथ, और उसे लेकर भाग जाती है। तो मिस्टर लिन भी उनके पीछे भाग के आता है, बट वो दोनों छुप गए थे और भाग जाते हैं। मिस्टर को कहता है तुम उसे नहीं बच पाओगी। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है, भागती आ रही थी तो मिस्टर को उसे टकरा जाती है और बेहोश। मिस्टर को कहता है बच्चे तुम्हें क्या हुआ, और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इनफैक्ट ये दोनों भी लिन के बच्चे हैं। यूए कहती है सेकंड ब्रदर, मॉम और भाई अभी तक आए क्यों नहीं है, चलो उन्हें बचाने चलते हैं। वो कहता है देखो वो दोनों बाहर आ गए, मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मिस्टर को बुरा नहीं है। यूए कहती है यानी हमारे डैडी अच्छे हैं, तो मम्मी को उससे शादी करा देंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे और डैडी भी। सेकंड ब्रदर ने उसे मना किया था बट यूए चली गई थी। इधर लिन अपने बच्चों पे चिल्ला रही थी और कहती है बताओ ये किसका आइडिया था। सबसे बड़ा यानी जाजा कहता है मम्मी मैंने किया है। यंग यंग कहता है नहीं मम्मी मैंने किया था। लिन कहती है 3 दिन जॉब करके मैं कितना थक जाती हूँ, और तुम और प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो। यंग यंग कहता है तभी तो मम्मी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डैडी के पास गया था, आखिर उनकी भी ड्यूटी है हमें सपोर्ट करना। जाजा कहता है हाँ मम्मी आप इतनी मेहनत क्यों करती हो। दोनों छोटे बेबी कहने लगते हैं मॉम प्लीज भाइयों को माफ कर दो ना। वो कहती है कि चलो साथ में खाने चलते हैं, यूए कहाँ पे है, तो उनकी बोलती बंद। तभी लिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है तुम्हारी बेटी यूए हॉस्पिटल में है, तो वो जल्दी से भागती है। इधर यूए भागती हुई ग्रैंडमा से टकरा जाती है और कहती है ग्रैंडमा। वो कहती है तूने मुझे ग्रैंडमा बोला। डॉक्टर उसको चेकअप करता है तो ग्रैंडमा कहती है काश मेरी भी तेरे जैसी क्यूट सी ग्रेट ग्रैंडडॉटर होती। वो मिस्टर को सुनता ही नहीं है, 30 का होने वाला है अभी तक शादी नहीं की। तभी मिस्टर गु आता है तो ग्रैंडमा बताती है कि ये मेरा बेटा है, तुम इसे अंकल बोल सकती हो। पर यूए कहती है डैडी मुझे गोदी में उठा लो। मिस्टर गु हैरान क्या। अभी वहाँ पर लिन भाग के आ जाती है और कहती है यूए तू यहाँ, पर मिस्टर गु कहता है तुम यहाँ पे, तो वो मिस्टर गु को देख कहती है सॉरी मैं गलती से आगे जाने लगी थी। यूए कहती है मामी। मिस्टर गु कहता है
तुम इसकी मम्मी हो? वो कहती है, नहीं तो मुझे मम्मी मत बोलो। यू कहती है, क्या हुआ मम्मी, आप मुझे पहचान नहीं रही हो? डैडी भी नहीं चाहते और आप भी मुझे नहीं चाहती, और रोने लग जाती है। जबकि लिन को पता था कि वो नाटक कर रही है। मिस्टर गु लिन का हाथ पकड़ के ले जाता है तो यू खुश होने लग जाती है, ये डैडी ने मम्मी का हाथ पकड़ा। मिस्टर गु से कोने में ले जाकर कहता है, बताओ उस वन नाइट स्टैंड से तुम्हारे कितने बच्चे हुए? लिन कहती है, सिर्फ एक। कहता है, अच्छा तो दोनों बच्चे मुझे डैडी और तुम्हें मम्मी क्यों बोल रहे हैं? लिन कहती है, यंगिंग तुम्हारा बेटा है, यूए सिर्फ मेरी है। वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है, मुझे पागल बना रही हो। तभी मिस्टर गु को फोन आता है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चला है कि यूए नाम की बच्ची आपके बेटे यंगिंग से एक साल छोटी है। लिन सोचती है, बचपन में यूए काफी कमजोर थी, इसलिए मैं टाइम पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना पाई थी, एक साल बाद बनवाना पड़ा। और कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें। जबकि मिस्टर को गुस्से में था कि एक बच्चा इसका मेरे साथ है और एक बच्चा किसी और के साथ। क्लोज होने लगा था तो वो धक्का मार देती है। मिस्टर को उसे करेक्टरलेस समझ रहा था और कहता है, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। लिन मना कर रही थी तो कहता है, मैं अपने बच्चे की कस्टडी ले लूंगा तुमसे। और गुस्से चला जाता है तो लिन भी चिल्ला देती है, कुछ भी कर लो मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं देने वाली। फिर लिन पांचों बच्चों को बुलाती है तो वो सब लाइन बनाकर 1 2 3 4 5 बोलते हैं। तो वो कहती है, अगर कोई तुम लोगों को मुझसे छीने लग जाए तो तुम किसे चूज करोगे? सब एक साथ कहते हैं, अपनी मम्मी को। तो वो खुश हो जाती है। फिर लिन को उसकी जॉब से कॉल आ जाता है क्लीनिंग का, तो वो चली जाती है। जैसे वो अंदर आती है उसके ऊपर बहुत सारा पानी गिर जाता है जिससे वो पूरी भीग गई थी। स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर और बाकी सब लोग जो पार्टी में थे सब हंसने लग जाते हैं। अरे ये नौकरानी कहाँ से आ गई? देखो तो सही, ये तो लिन है। सुना 5 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, अब क्लीनिंग लेडी बन गई है। कपड़े भी देखो कितने गंदे हो रहे हैं। लिन कहती है, तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम मैं अपने हाथों से मेहनत कर रही हूँ, तुम लोगों की तरह किसी का छीना नहीं है। तो स्टेप मॉम उसको थप्पड़ मार देती है, स्टेप सिस्टर पैसे फेंक के मारती है और कहती है, तू सफाई करती है ना, तो चल झुक के मेरे पैर साफ कर। ये सब सीसीटीवी से सारे बच्चे देख रहे थे तो उन्हें गुस्सा जाता है। लिन ऐसा करने से मना कर देती है तो स्टेप मॉम जबरदस्ती उसे घुटनों पे ला देती है। स्टेप सिस्टर कहती है, तूने कभी इतना महंगा केक खाया नहीं होगा, और जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के केक में घुसाने लगी थी तो लिन उन्हें धक्का मार देती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और पता चलता है कि ये लिन का एक्स फियांसे था जिसे स्टेप सिस्टर ने सेड्यूस करके लिन से छीन लिया, क्योंकि एक्स फियांसे एक नंबर का स्कम बैग है। लिन एक्स फियांसे से कहती है, मेरी मॉम ने तेरी कंपनी को बचाने में कितनी हेल्प की और तुम लोगों ने मेरी मॉम को मार डाला। तो स्टेप मॉम उसको थप्पड़ मार देती है। लिन गुस्से से एक्स फियांसे को थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तूने काफी टाइम से लड़कों के साथ मजे नहीं किए है ना, तो मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। और गुंडे बुला लेता है। इधर साउ साउ कहता है, मम्मी प्रॉब्लम में है तो हमें बचाने जाना होगा, नंबर 2 और 3 की एक टीम और नंबर 4 और 5 की दूसरी टीम। इधर ये गुंडे लिन के क्लोज आने लगे थे तो वो चाकू उठा लेती है, उन्हें डरा के पीछे कर देती है। स्टेप सिस्टर कहती है, देखा तेरा सब कुछ मेरा हो गया, तेरा एक्स फियांसे भी मेरा हो गया और ये नेकलेस भी। लिन कहती है, मेरी मॉम का नेकलेस तूने पहन रखा है, तू इसके लायक नहीं है। और छीने लगी थी बट एक्स फियांसे उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है। तभी सेकंड टीम आ जाती है, यानी नंबर 4 और 5 लिन को बचाने आ गए थे। तो एक्स फियांसे कहता है, अच्छा तूने इन दो जंगलियों को जन्म दिया है। और उनके करीब आने लगा था, लिन कहती करीब मत आना, बट उसे धक्का मार देता है और दोनों बच्चों को पकड़ लेता है। गुंडे लिन को पकड़ लेते हैं। एक्स फियांसे कहता है, घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांग। नंबर 4 कहता है, अगर मेरी मम्मी को बुली किया ना तो मैं अपने डैडी को बुला लूंगा, मेरे डैडी मिस्टर गु हैं। तो स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर हंसने लग जाती हैं। मिस्टर गु, वो भी तेरा डैड, पागल हो गया क्या? मिस्टर गु शहर का सबसे रिच आदमी है। तभी वहाँ पर लिन के डैड आ जाते हैं तो लिन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। स्टेप सिस्टर कहती है, देखो ये तो अपने दो जंगली बच्चों को लेके आई है। डैड कहते हैं, निकले यहाँ से। लिन कहती है, पहले मेरी मॉम का नेकलेस वापस करो। डैड कहते हैं, तू बिल्कुल अपनी खड़ूस माँ की तरह है। लिन कहती है, मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलना, और तुम कितने गिरे हुए हो, पैसों के लिए मेरी मॉम से शादी की। तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। उसका बेबी कहता है, मम्मी डरो मत, डैडी आने वाले हैं। स्टेप सिस्टर कहती है, लिन तुझे पता भी है तेरी मॉम मरी कैसे है? तेरी मॉम का जब कार एक्सीडेंट हुआ था वो वहीं पे नहीं मरी थी, वहाँ पर एम्बुलेंस टाइम पे पहुँच नहीं पाई थी और तेरी मॉम तड़प तड़प कर मरी है। तुझे पता है एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँच पाई थी? क्योंकि तेरे खुद के डैड ने एम्बुलेंस पहुँचने नहीं दी थी वहाँ पे। लिन कहती है, तुम लोग तो जानवरों से भी ज्यादा गिरे हुए हो। और बॉट उठा के फेंक के मारती है तो गुंडों से पकड़ लेते हैं। स्टेप सिस्टर कहती है, इस लिन के कपड़े फाड़ दो। दोनों बच्चों से बचाने लग गए थे तो स्टेप सिस्टर कहती है, और इन दोनों जंगलियों को पकड़ लो, इनके हाथ पैर तोड़ के सड़क पे फेंक दो। गुंडे उसके बच्चों को पकड़ लेते हैं। सीसीटीवी से जाओजा सब देख रहा था और कहता है, अरे नहीं हमारा सेकंड प्लान फेल हो गया, मम्मी खतरे में है। लिन चिल्ला रही थी, मेरे बच्चों को छोड़ दे, उन्हें कुछ मत करना, जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। तो स्टेप सिस्टर चेयर पे पैर रख के कहती है, मेरे चरणों पे गिर जा,
तभी इन जंगलियों को छोड़ूंगी। एक गुंडा लाकर वहाँ पे बॉटल पटक देता है जिससे वहाँ पे कांच के टुकड़े हो गए थे, और वो लोग लिन को वहीं घुटने रखने को बोल रहे थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए लिन कांच के ऊपर बैठने लगी थी, तभी वहाँ पर मिस्टर गू की एंट्री होती है और वो टीम नंबर 1 के साथ आया था, यानी यांग यांग और युए के साथ। तो जाओ जाओ ऑर्डर दे देता है कि टीम 1 वहाँ पे पहुँच गई है, नंबर 4 और 5 वहाँ से निकल जाओ, डैड तुम्हें देख ना पाए। तभी नंबर 4 और 5 गुंडों के काट के भाग जाते हैं। मिस्टर गू ने देख रहा था ये दोनों बच्चे। युए कहती है डैड रेडी, मम्मी भी ध्यान दो, और दोनों जाकर मम्मी को हक्कड़ लेते हैं। मिस्टर गू का हैंडसम फेस देख लड़कियां उस पर लट्टू होने लगी थी। स्टेप सिस्टर कहती है तुम इस लिन को भाव मत दो, इसका तो किसी जंगली के साथ अफेयर था। तो मिस्टर गू उसको थप्पड़ मार देता है और फिर बताता है कि मैं मिस्टर गू हूँ, बट वो लोग यकीन नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये नाटक कर रहा है। भला मिस्टर गू एक क्लीनर यानी लिन को बचाने क्यों आएगा। लिन कहती है मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मॉम का नेकलेस वापस कर दे। मिस्टर गू के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। स्टेप सिस्टर गुस्से में थी और अपना चाकू निकाल के लिन के मारने लग जाती है, तो मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन बच्चों को बचा रही थी और मिस्टर गू लिन को, तो मिस्टर लिन उसे धक्का मार देता है और बच्चों से कहता है तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। लिन उनकी आईज पे हाथ रख देती है, फिर मिस्टर गू एक डंडा ले लेता है, उसे मारने जाने वाला था पर डैड बीच में आ जाते हैं। डैड उसे मारने वाले थे तो उन्हें भी धक्का मार देता है जिससे वो बुड़क के बेहोश, कि उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया था। एक्स फियांसे कहता है मैं तुझे एक मौका देता हूँ, चला जाए यहाँ से वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बट मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है। मिस्टर गू कहता है अच्छा तुझे फाइट करनी है, और अपना कोट उतार देता है और फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। एक्स फियांसे कहता है अब मैं तुझे जान से मार दूंगा, बट तभी चारों तरफ से उन्हें बॉडीगार्ड्स घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गू का छोटा भाई आ जाता है। मिस्टर गू कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कहता है तुम्हें तो मुझे मैसेज किया था। मिस्टर गू समझ जाता है कि डीके ने उसके फोन को हैक किया होगा जो टॉप हैकर है, और फिर वो लिन से पूछता है क्या तुम डीके को जानती हो, वो कहती है नहीं। तो जियान मिस्टर गू से कहता है मैं संभाल लूंगा, बताओ कौन मेरे ब्रदर को मारना चाहता था। यहाँ पे सब लोग जानते थे कि जियान गू फैमिली का लिटिल यंग मास्टर है। तो एक्स फैन से कहता है हम तो इसे कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो इस लड़की को कह रहे हैं। मिस्टर गू कहता है ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये मेरे बच्चों की मॉम है। स्टेप सिस्टर कहती है और तुम्हें पता नहीं है इस लिन का बहुत लड़कों के साथ अफेयर था, तुम इसे अपने बच्चों की मॉम बोल रहे हो, पहले पता तो कर लो ये तुम्हारे बच्चे हैं ना। अभी पहले तो इसके 2 बच्चे और आए थे, पता नहीं इसके कितने बच्चे हैं। मिस्टर गू पूछता है तुम्हारे 2 बच्चे और हैं, युए बताओ तुम्हारी बर्थडे डेट कब है। तो युए बताती है कि जब यांग यांग की है तभी मेरी है, सेम बर्थडे डेट। लिन सोचती है अगर मैं इसे बता दूंगी 5 बच्चे हैं तो ये मुझसे सब छीन लेगा। मिस्टर गू से पूछ जा रहा था कि वो दोनों बच्चे किसके हैं, तो कहती हाँ ये सच है युए तुम्हारी बच्ची है, मुझे लगा तुम छीन ना लो इसलिए मैंने झूठ बोला, और दोनों बच्चे जो अभी भागे गए थे मैंने उन्हें अडॉप्ट किया था। मिस्टर गू कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, और सबको बताता है कि युए और यांग यांग मेरे बच्चे हैं और लिन मेरे बच्चों की मॉम। और स्टेप सिस्टर लिन आने वाली थी तो मिस्टर गू उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एक्स फियांसे से बचाने की बजाय अपनी जान बचाकर भाग जाता है। स्टेप मॉम भागने वाली थी, कहता है तुमने अभी अभी बॉस की इंसल्ट की है ना, बताओ तुम्हारा हाथ तोड़ू या पैर। तो वो दोनों लिन से माफी मांगना चाहती हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, बट लिन स्टेप मॉम के बाल पकड़ लेती है, जो अच्छे से पता है तुम लोग कितने गिरे हुए हो, और स्टेप मॉम के थपड़ा लगा डालती है, वो भी एक नहीं 2-4। और स्टेप सिस्टर भी डर के मारे लिन की मॉम का नेकलेस लिन को वापस कर देती है। लिन कहती है मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी और कंपनी वापस कर दे और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जा। तो वो दोनों भाग जाती है। यांग यांग कहता है डैडी आपने गुंडों को बहुत अच्छे से धोया, मुझे अच्छा लगा पर मुझे भूख लगी है। वो कहता है ओके डैडी तुम्हें टेस्टी चीज खिलाएगा, और दोनों को गोद में उठा लेता है। लिन सोचती है मैं इसे बताऊं या ना कि 5 बच्चे हैं, पर ये कहीं मुझसे छीन न ले, अब थोड़े टाइम के लिए सीक्रेट ही रखती हूँ। और बाकी बच्चों को फोन कर देती है कि तुम लोग इसे छुपे रहना। मिस्टर गू लिन को खाने को बोल रहा था, पर लिन अपने दूसरे बच्चों के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं उन्होंने खाया भी होगा या नहीं। युए बड़ी खुश होकर खा रही थी और मिस्टर गू को किस कर देती है, बट फिर सोचती है पता नहीं दूसरे भाइयों को खाने को मिला होगा नहीं। तभी यांग यांग अपनी बाउल उठाकर ले जाता है। मिस्टर गू पूछता है तो लिन कहती है वो अकेले में खाना पसंद करता है, बट मिस्टर गू उसके पीछे जाने लगता है। इनफैक्ट यांग यांग बाहर जाओ जाओ को खाना देने आया था, पर मिस्टर गू की आवाज सुन यांग यांग भाग जाता है। मिस्टर गू जाओ जाओ को यांग यांग समझ के ले जाने लगा था, बट वो हाथ छुड़ा लेता है, वो उसे पकड़ के खाने पे ले आया था, और कहता है पता नहीं इसे क्या होगा अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया। जबकि लिन पहचान लेती है कि वो यांग यांग को नहीं जाओ जाओ को ले आया है। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ कहता है ग्रैंडमा का बर्थडे आने वाला है तो मैं चाहता हूँ बच्चे ग्रैंडमा के बर्थडे पे आए, और वहीं पे मैं सबको तुम्हारे और बच्चों के बारे में अनाउंस कर दूंगा। नेक्स्ट डे लिन अपने सारे बच्चों को लेके आती है और कहती है युए और यांग यांग तुम मेरे साथ चलना, और जाओ जाओ तुम अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना। सबसे छोटा वाला कहता है मम्मी हमें क्यों नहीं लेके जा रही। जाओ जाओ कहता है क्योंकि मम्मी नहीं चाहती डैडी को हम तीनों के बारे में पता चले। कहते बट हमें देखना है डैडी का घर अंदर से कैसा है। तो जाओ जाओ उन्हें दिखाने ले जाता है,
दोनों छोटे छोटे बातें करने लग जाते हैं। पता नहीं अंदर तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना होगा जो शायद हमने कभी खाया भी नहीं है। जाओ जाओ ने छुपकाने लगता है कि मम्मी को प्रॉब्लम में नहीं डालना। तभी ग्रैंडमा देख लेती है ये बच्चे किसके हैं, बट वो वहाँ से गिर जाते हैं क्योंकि दीवार पे लटके हुए थे। ग्रैंडमा भी गिर गई थी तो नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल में थी। होश आते ही ग्रैंडमा उठ के बच्चों के बारे में पूछने लग जाती हैं और वो मिस्टर को बताती हैं कि वो तीन बच्चे थे, बिल्कुल तेरे जैसे लग रहे थे जब तू बचपन में था। तो मिस्टर को दूसरे वाले रूम में बच्चों को देखने जाने लगा था। इधर जाओजा कहता है मम्मी परेशान मत हो। इधर तीनों बच्चे यान से माफी मांग रहे थे कि हमने गलती की है, चाहे हमें पनिश कर दो। लिन कहती कोई बात नहीं, तुम तीनों ठीक हो ना, पर आगे से ऐसा मत करना। उन्हें जल्दी से ले जाने लगी थी। मिस्टर को शक हो रहा था क्यों ग्रैंडमा बोल रही है कि वो तीनों बच्चे बिल्कुल तेरे जैसे हैं, तो वो उनसे मिलने जाने लगा था। बट गेट खोल के अंदर आता है तो नर्स बताती है कि वो तीनों चले गए अपनी मॉम के साथ। एक नर्स कहती है उन बच्चों में से एक बच्चे का आई कार्ड गिर गया। मिस्टर को देखता है वो जाओजाओ का कार्ड है। इधर जाओजाओ और यूए स्कूल में थे, तभी एक बच्चा यूए को तंग करता है। जाओजाओ कहता है तूने मेरी बहन को परेशान किया, उसे माफी मांग। बट वो लड़का मना कर देता है। यू उसे धक्का मारती है तो उसके शूज पे आइसक्रीम गिर जाती है। वो कहता है मेरे नए शूज तूने गंदे कर दिए, पता है कितने महंगे हैं, तेरी वो क्लीनर मॉम एक महीने की सैलरी से भी नहीं खरीद सकती और तुम दोनों जंगली बच्चे हो। तो वो बच्चा यूए की गर्दन पे रख देता है और कहता है मेरे शूज चाट वरना मैं तेरी बहन को मार दूंगा। बेचारा जाओजाओ घुटनों के बल बैठने लगा था, पर वो उसे धक्का मार के अपनी बहन यूए को बचा लेता है। वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और टीचर को शिकायत कर देता है। यूए और जाओजाओ बताते हैं टीचर से कि हमारी मॉम की इंसल्ट कर रहा था और हमारी भी, और इसने पहले मारा था। बट टीचर जाओजाओ और यूए को डांटने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसके मॉम डैड बहुत रिच है, इसकी मॉम ने तो स्कूल में डोनेशन भी करा है, पर तुम्हारी मॉम ने सफाई के अलावा आज तक कुछ करा भी है, तो तुम लोग माफी मांगो। तभी वहाँ पे दूसरा टीचर आता है और वो मिस्टर को बताता है कि ये है जाओजाओ और इसका बिल्कुल हमशक्ल भाई भी है जेंग जेंग, वो दूसरी क्लास में है। यूए कहती है भाई अब क्या करेंगे, डैडी आ गए। जाओजाओ से चुप कराने लगा था। मिस्टर को अगर कहता है तुम जाओजाओ हो ना, उस टाइम यांग यांग की जगह तुम आ गए थे खाने पे, है ना। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला, तो कहता है सॉरी डैडी को लेट हो गया तुम्हें पहचानने में। बट टीचर उन दोनों को डांट रही थी। यूए कहती है हमने कुछ भी नहीं किया, पहले इसने मारा था। दूसरा टीचर कहता है अभी कभी इससे माफी मांगो वरना तुम्हें बाहर निकाल देंगे स्कूल से। मिस्टर को कहता है तुम लोग बच्चों को ऐसे बुरी करते हो स्कूल में, उनसे घुटनों के बल माफी मांगने को बोल रहे हो। टीचर उसकी मॉम को फोन करने लगी थी। वो दोनों मना करते कि हमारी मॉम को फोन मत करो वो बिजी हैं। तो वो बच्चा कहता है हाँ हाँ इसकी मॉम क्लीनिंग करने में बिजी होगी, क्या पता नीचे हो हमारे स्कूल के टॉयलेट साफ कर रही हो। मिस्टर गु को गुस्सा आने लग जाता है, पर यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता कि मिस्टर गु कंपनी का सीईओ है। तभी उस बच्चे की मॉम आती है और वो आते ही यूए और जाओजाओ को सुनाने लगी थी। जाओजाओ कहता है हम कोई जंगली नहीं है, हमारी ऑलरेडी मॉमी है। वो कहती है अच्छा तेरा बाप तो नहीं है ना कोई। मिस्टर गु कहता है मैं हूँ इनका बाप। तो वो कहती है अच्छा इनके साथ तू भी माफी मांग वरना मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी। वो ऐसा वैसा नहीं है, वो कंपनी का मैनेजर है और हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कॉल पे बात कर रहा था कि कल मुझे मिस्टर गु से मिलने का मौका मिलेगा, यानी वो अभी तक मिस्टर गु से नहीं मिला है। टीचर उन्हें माफी मांगने को बोल रहे थे वरना स्कूल से निकाल देंगे। यूए कहती है हम मॉम को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, वैसे भी हम पुअर हैं क्यों ना हम माफी मांग लें। मिस्टर को कहता है डैडी तुम लोगों को कभी माफी नहीं मांगने देगा। उस बच्चे की मॉम अपने हस्बैंड को बुला लेती है और वो आते चिल्लाने लगा था किसने बुली किया मेरी वाइफ और बच्चे को, और वो जाओजाओ और यूए को मारने लगा था। बट मिस्टर गु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ ही मोड़ दिया था। और ये तीनों मिलकर जाओजाओ और यूए का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम लोग गरीब हो हमारे आगे छुप जाओ वरना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और तो और उनका बच्चा भी सुना रहा था। मिस्टर गु अपने बच्चों से कहता है तुम्हारी मॉम ने जो सिखाया है वो ठीक है, पर आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हें फालतू में कोई लोग ऑफेंड करें तो उन्हें माफ नहीं करना है, उन्हें सबक सिखाना है। उस बच्चे का बाप चबड़ चबड़ किए जा रहा था तो मिस्टर गु उसके थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ में वो नीचे गिर गया था तो वो उसका हाथ पैर रख के पीस देता है और कहता है मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ मेरे बच्चों से माफी मांग लो वरना तुम लोग बचोगे नहीं। बट वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो सेम डे सेम कपड़े पहनते हैं, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है। जाओजाओ और यूए कहते हैं भले हमारे पास रोज बदलने के लिए कपड़े नहीं है पर हमारी मॉम हमेशा हमें खुश रखती है, हमें हमेशा अच्छे कपड़े और अच्छा खाना दिलाती हैं, हम बहुत खुश हैं। मिस्टर को कहता है तुम लोग पुअर लोगों को मजाक उड़ाते हो ना, और फिर कंपनी में कॉल करता है इस मैनेजर को फायर कर दो। बट वो हंसने लगे थे कि ये तो नाटक कर रहा है जैसे खुद कंपनी का बॉस हो। बट तभी उस आदमी को कंपनी से कॉल आता है कि वो फायर हो गया, तो वो मिस्टर को के पैरों में गिर जाता है और अपने बच्चों को भी घुटनों में ला दिया था तो उसे भी पकड़ के घुटनों में ला देता है और बता देता है कि यही मेरा बॉस है मिस्टर गु। तो वो सब लोग माफी मांगने लग जाते हैं क्योंकि मिस्टर गु ने उन लोगों को बैंकक्रप्ट कर दिया था। तो बच्चा कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम लोगों को बुली नहीं करना चाहिए था और ना मजाक उड़ाना चाहिए था। जाओजाओ और यूए कहते हैं पर हम तुम्हारे जैसे नहीं है और वैसे भी क्लीनर होने में क्या बुराई है।
सफाई करना तो अच्छी बात होती है, आखिर क्लीनर लोग भी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। चाहे कोई भी काम हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिस्टर कहता है तुम लोगों ने सुन लिया मेरे बच्चों ने क्या कहा, निकलो अब, और उन्हें भगा देता है। तभी एक टीचर प्रिंसिपल को ले आई थी और मिस्टर गु और उन बच्चों की शिकायत करने लग जाती है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला कि वो मिस्टर गु है, बट प्रिंसिपल को तो पता है, इसलिए वो टीचर को थप्पड़ मार देता है और उसे जॉब से फायर कर देता है। मिस्टर गु प्रिंसिपल को एडवाइस देता है कि आगे से अच्छे टीचर्स को रखना जो बच्चों के साथ भेदभाव न करें। यूए मिस्टर गु को देख रही थी और कहती है डैडी आप और मैं तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, पक्का आप ही मेरी डैडी हो। मिस्टर गु कहता है सॉरी बच्चों, आगे से मैं किसी को भी तुम लोगों को बुली नहीं करने दूंगा। जावसा कहता है पर अगर आप हमें हमारी मम्मी से दूर लेके गए तो ये सही नहीं होगा, आप बुरे इंसान होगे और हमें बुरे इंसान पसंद नहीं है। मिस्टर गु कहता है तुम्हारा डैडी बुरा इंसान नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम से डिस्कस करूंगा कि हम सब साथ में मिलके रहें। फिर वो उन बच्चों को बाय कर देता है और खुश होता है कि लिन ने बच्चों को कितने अच्छे से पाला है और कितनी अच्छी शिक्षा दी है। बट तभी उसे लिन का फोन आता है जो हेल्प के लिए चला रही थी, तो सेक्रेटरी को बच्चों का ध्यान रखने को बोलकर खुद भागता है। इधर लिन अपनी मॉम का सामान वापस लेने आई थी बट स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे घेर लेते हैं और गुंडों को बुला लिया था। फिर गुंडे लिन को मारने लग जाते हैं, उसने जल्दी से मिस्टर गु को कॉल कर दिया था बट स्टेप सिस्टर उसे मार देती है। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और डॉक्टर लिन का ब्लड निकाल लेता है। स्टेप सिस्टर कहती है तेरी मॉम तेरे लिए जो सब कुछ छोड़ के गई है वो सब मेरा हो जाएगा। इनफैक्ट लिन की मॉम ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे, वो फंड में इन्वेस्ट कर दिए थे ताकि फ्यूचर में वो पैसे लिन के काम आ सके जो आगे जाकर लिन को इनहेरिट होने थे। लिन कहती है पर तुम लोग कभी भी वो पैसे नहीं ले सकते। स्टेप सिस्टर कहती है बट अगर तू गायब हो जाए तो, तेरी जगह मैं जाऊँ तो वो पैसे मुझे मिलेंगे। इनफैक्ट लॉयर जब उनसे मिलने आया था तो लॉयर ने बताया था कि लिन की मॉम लिन के लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के गई है, बट स्टेप सिस्टर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो लिन हो। लॉयर पूछता है पर तुम पहले तो ऐसे नहीं दिखती थी। स्टेप सिस्टर कहती है मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ना इसलिए। बट लॉयर को अभी उन पे शक हो रहा था इसलिए वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे जाता है कि एक महीने बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, जबकि स्टेप सिस्टर चिढ़ रही थी कि मुझे तो अभी पैसे चाहिए, बट वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। तो स्टेप मॉम कहती है हम पहले से तैयारी करके रखेंगे, उस लिन को उस रास्ते से हटा देंगे ताकि लॉयर को तू ही लिन लगे, और उस लिन का ब्लड निकाल के रख लेंगे ताकि अगर कुछ डीएनए टेस्ट करवाना होगा तो हम उससे कंफर्म करवा लेंगे। स्टेप सिस्टर कहती है अब तो तुझे पक्का मरना होगा, और दोनों हंस रही थी क्योंकि गुंडों ने लिन को पकड़ लिया था। इससे पहले कि वो लोग लिन को जान से मारते वहाँ पर मिस्टर गु आ जाता है और वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लाया था जिससे उनकी हवा संट हो जाती है। वो देखता है कि लिन काफी ज्यादा डर रही है तो बताता है मैं हूँ, तो वो उसे हक कर लेती है, कहता है डरो मत मैं हूँ ना, तो वो थैंक यू करती है। मिस्टर गु कहता है तुम लोग सुधरोगे नहीं ना, और स्टेप मॉम के थप्पड़ मार देता है। स्टेप सिस्टर उसके मारने वाली थी बट लिन टांग अड़ा के उसे गिरा देती है और कहती है फंड में मेरी मॉम ने इन्वेस्ट किया था और इनहेरिट उसे तू करना चाहती है, कभी भी नहीं। स्टेप सिस्टर को चाकू मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है और धक्का मार देती है। बॉडीगार्ड स्टेप मॉम को पकड़ के ले जाते हैं और लिन रॉड उठा लेती है कि अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगी, और उसे घसीटती हुई रेलिंग तक ले आई थी। जियान वीडियो बनाने लग जाता है और कहता है भाई सिस्टर इन लॉ तो बड़ी कमाल की है। वो कहता है तू क्या कर रहा है, वो कहता है डीके ने मुझे बोला है कि मैं वीडियो बनाऊं सिस्टर इन लॉ जब इस गुंडी को धोएगी। मिस्टर को कहता है क्या फायदा, तू तो आज तक डीके से मिला भी नहीं है। जियान कहता है फायदा क्यों नहीं है, डीके ने तो ये बोला है अगर तू सिस्टर इन लॉ से शादी कर लेगा तो वो तुम दोनों की वेडिंग में जरूर आएगा, प्लीज जल्दी से लिन से शादी कर लेना, मुझे डीके से मिलना है। मिस्टर को सोचता है कौन है डीके, उसने आज तक किसी को फेस नहीं दिखाया अपना, पर वो लिन पे इतनी अटेंशन देता है, आखिर ये माजरा क्या है। जियान कहता है भाई लगता है सिस्टर इन लॉ तो इस गुंडी को मारे डालेगी। मिस्टर को कहता है तो परेशान मत हो वो समझदार है। लिन कहती है तुझे याद है तूने मुझे यहाँ से गिराया था, तू भी नहीं बचेगी, और उसके हाथ में डंडा मार देती है जिससे स्टेप सिस्टर रेलिंग से नीचे गिर जाती है, बट ज्यादा ऊंचाई नहीं थी इसलिए उसकी थोड़ी बहुत चोट लगी थी और वो भाग जाती है। फिर लिन मिस्टर को थैंक यू करती है और कहती है मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। जियान कहता है रुको सिस्टर इन लॉ, डीके तुमसे बात करना चाहता है। लिन तो एकदम हैरान थी कि डीके कौन है। जियान कहता है भाई ये डीके तेरी वाइफ को तो जानता क्यों है, मुझे तो लग रहा कहीं डीके का। मिस्टर गु से गुस्से चुप करा देता है, पर फिर लिन को पता चलता है कि ये तो उसका बेटा जावजाव है, तो वो कहती है ये लोग तो बोल रहे थे कि फेमस डीके से बात करनी है। जावजा कहता है मम्मी मैं जियान अंकल का मिस्टीरियस ऑनलाइन फ्रेंड हूं ना इसलिए, हैरान मत हो हम घर आके बात करेंगे। मम्मी मुझे पता है मिस्टर गु मेरा डैडी है, पर मैं अभी उसे टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मेरे डैडी बनने के लायक है भी या नहीं। लिन फोन काट के जियान को देती है, जियान पूछने लग जाता है कि डीके ने तुमसे क्या कहा, बट वो नहीं बताती। मिस्टर को पूछता है तुम और डीके कब मिले, तो कहती है 5 साल पहले। मिस्टर कहता है तुम फॉरन में मिले थे, क्या तुम दोनों फ्रेंड्स भी हो। लिन कहती है हाँ, और सोचती है मैं और मेरा बेटा फ्रेंड भी तो है।
बट रियल में मिस्टर गु तो डीके से जेलस हो रहा था, बट उसे क्या पता कि डीके उसका बेटा ही है। और फिर वो बाइक पर जाने लगी थी तो कहता है बच्चे घर पे हैं, और पता चलता है कि मिस्टर गु उन पांचों बच्चों को अपने घर पे ले आया था। लिन कहती है तुम लोग किसी के साथ भी ऐसी आ जाओगे? मिस्टर गु कहता है मैं कोई भी नहीं हूँ, इनका डैडी हूँ। लिन कहती है जाओ जाओ पहले तुम खड़े हो जाओ, तुम ये डीके। और वो डीके बारे में कुछ बोलने वाली थी बट वो उसे चुप करा देता है। जूही कहती है प्लीज मम्मी हमें माफ कर दो। यंग खड़ा कहता है मम्मी ये देखो आपके लिए टेस्टी वाले स्नैक डैडी ने हमें दिलाई है, मैंने आज तक कभी नहीं खाई। लिन देख के आती है ये वाले स्नैक तो मैंने भी नहीं खाया अभी तक। और फिर कहती है ओके आगे से मत करना। तो कहती है सब बच्चे खड़े हो जाओ और जल्दी सामान पैक करके चलो मेरे साथ। बट वो मना करने लग जाते हैं कि हमें नहीं जाना। मिस्टर कहता है बच्चे तुम जाके खेलो, मैं तुम्हारी मम्मी बात करते हैं। और लिन से कहता है तुम और हमारे बच्चे यहीं रह सकते हैं। लिन कहती है मैं अपने छोटे से घर में खुश हूँ। वो कहता है पर ये मेरे बच्चे भी तो हैं, फिर मैं इनका डैड हूँ। बट लिन उसे फाइट करने लग जाती है क्योंकि लिन को डर है कि कहीं मिस्टर को उसके बच्चे ने छीन ले। वो कहता है मैं इनका डैड हूँ। तो कहती है डैड हो तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात मानेंगे? मिस्टर को सब बच्चों को आवाज मारता है तो सब बच्चे कहते हैं यस डैडी। वो खुश होता है तो बच्चे भी खुश होते हैं। लिन कहती है बच्चों ये बताओ अगर तुम्हें मम्मी डैडी में से किसी एक को चूज करना हो तो तुम किसे चूज करोगे? जाओजा कहता है मैं तो मम्मी को चूज करूंगा, आखिर मम्मी का ध्यान रखने वाला भी तो कोई हो। यूए कहती है मैं भी मम्मी को चूज करना चाहती हूँ पर डैडी भी बहुत अच्छे हैं, मैं किसे चूज करूँ? यांग यांग कहता है मम्मी हमें आपको चूज करना चाहिए पर हमें डैडी भी तो चाहिए। लिन कहती है सॉरी बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे डैडी से कैसे दूर रख सकती हूँ। और मिस्टर लिन से कहती है तुम मेरे बच्चों के डैड बन सकते हो पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर वो दोनों लॉयर के पास जाते हैं। लॉयर लिन से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाता है और फिर बताता है कि तुम्हारी मॉम ने जो फंड में इन्वेस्टमेंट की थी अब वो सारे पैसे तुम्हारे हैं। मिस्टर को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो तुम शहर की रिचेस्ट लड़की बन चुकी हो, तुम्हें काम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहती है अब भी जरूरत है। फिर वो मिस्टर को के साथ आती है। वो कहता है तुम्हारी कंपनी है तो तुम मेरी कंपनी में क्यों आ रही हो? वो कहती है मेरी मॉम की कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे शुरू से एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करना था और तुम्हारी कंपनी एडवर्टाइजिंग है इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैनेजर बताता है कंपनी में दो न्यू एम्प्लॉय आए हैं। गर्ल्स बातें करने लग जाती है कि हमने सुना एक को मिस्टर गु ने भेजा है, जरूर ये ग्रीन कपड़ों वाली होगी, इसके कपड़ों से पता चल रहा है कितने अच्छे हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गु आता है, सब गर्ल्स उसे हैंडसम बोल रही थी। मैनेजर कहता है बॉस आपको आने की जरूरत थी? वो कहता है मैं ऐसे चेक करने आया था। लुलू उसे विश करती है बट वो लिन को देखकर चला जाता है। वो एम्प्लॉय गर्ल बातें करने लग जाती है, जरूर मिस्टर गु ने इस लुलू को भेजा होगा तो हमें इस लुलू से बनाकर रखनी होगी। मैनेजर लुलू के साथ तो अच्छा बिहेव करता है बट लिन को जाकर बहुत सारा काम दे देता है। और एम्प्लॉय गर्ल्स भी लुलू के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी जबकि लिन इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, वो तो अपने काम में लगी हुई थी। अभी मिस्टर गु की असिस्टेंट आती है और बताती है मिस्टर गु ने यहाँ जो न्यू एम्प्लॉय आई है उसके लिए फूड डिलीवरी भेजी है। मैनेजर लुलू से कहता है मिस्टर गु ने तुम्हारे लिए फूड भेजा है। लुलू सोचती है लगता है मिस्टर गु को मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। गर्ल्स कहती है अरे वाह ये तो फेमस शेफ का बना हुआ खाना है, तुम्हारा मिस्टर गु से क्या रिलेशनशिप है, मैं खाना भेज रहा है? लुलू जानबूझ के शर्माने का नाटक करने लगती है और जाकर लिन से कहती है तू मेरे साथ खाएगी? तूने तो कभी ये खाना खाया भी नहीं होगा। लिन कहती है तुझे क्या लगता सब तेरे जैसे हैं? लुलू कहती है मुझसे जुबान लड़ाएगी मैं तुझे फायर करवा सकती हूँ। असिस्टेंट ने मिस्टर गु को आकर बताती है कि लुलू को खाना पसंद आ गया। मिस्टर गु एकदम हैरान और सेक्रेटरी भी गुस्सा करता है तो असिस्टेंट आकर लुलू से फूड वापस ले जाती है कि वो तुम्हारे लिए नहीं था। गर्ल्स पूछती है क्या हुआ लुलू, तुम्हारा मिस्टर गु से झगड़ा हो गया? लुलू कहते नहीं मैंने मिस्टर गु से कहा था कि मेरी आइडेंटिटी छुपा के रखना, हम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में है ना। बट लिन को ये सुन हंसी आ जाती है कि ये लुलू कितनी झूठ बोलेगी। लुलू गुस्से से थप्पड़ मारने वाली थी बट मैनेजर रोक लेता है कि तुम्हें इस पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे फायर कर दूंगा। लिन कहती है पर तुम मुझे बिना मतलब के फायर नहीं कर सकते। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है कि इसे बाहर फेंक दो। लिन को गुस्सा जाता और कहती है तुम जैसे डायरेक्टर इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे मिस्टर गु को बोलकर तुम्हें फायर करवाना पड़ेगा। तो वो लोग हंसने लगे थे कि ये चुन्नू से एम्प्लॉय हमें फायर करवाएगी तो लिन मिस्टर गु को कॉल करने लग जाती है। वो लोग अब भी हंस रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर गु आता है और वो मैनेजर को फायर कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स इस कचरे को बाहर उठा के फेंक दो तो वो उसे फेंक आते हैं। लुलू कहती है मिस्टर गु तुम हमारे इंस्पेक्शन करने आते रहना। मिस्टर गु लिन को देख कहता है हाँ मैं आता रहूंगा। लुलू खुश हो रही थी बट लिन समझ जाती है कि मिस्टर गु तो उससे बात कर रहा है। फिर ग्रैंडमा कंपनी में आती है और मिस्टर गु को जल्दी से लिन से शादी करने को कहती है कि अब तो तुम्हारे पांच पांच बच्चे हैं और कब तक मुझे शादी के लिए वेट करवाओगे, वरना सब लोग तुम्हारे बच्चों को इलेजिटिमेट समझेंगे। फिर मिस्टर गु ग्रैंडमा को बच्चों से मिलाने आता है तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहती है बच्चों को तेरा नाम देने से पहले एक बार इसका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। वो कहता है
आप तो श्योर हो ना कि ये मेरे बच्चे हैं, तो डीएनए टेस्ट की क्या जरूरत है, ग्रैंडमा कहती हैं, वरना बाकी लोग बातें बनाएंगे, आगे जाके लिन पे सवाल उठाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। फिर ग्रैंडमा यूए के साथ खेलने लग जाती हैं। जादू सोचता है ये डीएनए टेस्ट कराने की सोच रहे हैं, यानी इन्हें मेरी मम्मी पे भरोसा नहीं है। रात में लिन जॉब से घर आती है, पांचों बच्चों को एक एक करके आवाज लगा रही थी और पूरे घर में ढूंढ रही थी पर कोई भी नहीं मिलता, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो पॉट उठा लेती है, बट अंदर आकर देखती है मिस्टर गु पांचों बच्चों के साथ है, तो कहती है तुम क्या कर रहे हो। जाजो बताता है कि डैडी हमें कहानी सुना रहे हैं, सारे बच्चे खुश हो रहे थे तो वो मिस्टर गु का थैंक यू करती है बच्चों कहानी सुनाने के लिए। यूए कहती है मम्मी आप भी लेट जाओ, डैडी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, तो लिन भी मिस्टर गु के साइड में लेट जाती है और कुछ बच्चे साइड में थे और कुछ बच्चे उसके ऊपर चढ़े हुए थे, मिस्टर गु कहानी सुना रहा था और वो सब एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। लिन की आईज खुलती है, मिस्टर गु कहता है तुम उठ गई, और उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगा था, फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोल लेता है, तभी लिन सपने से उठ जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट वो नर्वस होकर भाग जाती है और सोचती है मुझे कैसे सपने आ रहे थे, कहीं मुझे मिस्टर गु से लव तो नहीं हो गया। बट मिस्टर गु भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है तुम शर्मा रही थी क्या। वो कहती है नहीं तो, तुम्हें कुछ बताना तो बताओ वरना मैं सो रही हूँ। वो पूछता है तुम कंपनी में खुश तो हो ना, तुम्हें कोई बुली तो नहीं करता। वो सोचती है कैसे मेरी फिक्र हो रही है। मिस्टर गु कहता है हम बच्चों का एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। वो कहती है क्या तुम्हें मुझ पर शक है, तुम्हें भरोसा नहीं है कि वो पांच बच्चे तुम्हारे हैं, और गुस्से से बाहर निकाल देती है। बट वो इतने गुस्से में थी कि अपना पैर ठोक लेती है। मिस्टर गु उसे पकड़ता है और फिर उसके पैर में मेडिसिन लगाने लगा था, और फिर उसे समझाता है कि मुझे तुम पे शक नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग तुम्हें और हमारे बच्चों को बुली न करें ताकि हम लोगों के मुंह बंद कर सकें। और जाओ कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, और मैं चाहता हूँ वो जल्दी से कंपनी को इनहेरिट करे। लिन कहती है पर जाओ अभी पांच साल का है। वो कहता है फिर क्या हो गया, वो कितना इंटेलिजेंट है बिल्कुल मेरी तरह। तो लिन को हंसी आ जाती है। मिस्टर गु कहता है एक और तरीका है, अगर तुम उसे शादी कर लो। वो कंफ्यूज हो गई थी तो कहता है कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो, और चला जाता है। लिन सोचती है क्या इसने अभी भी मुझे प्रपोज किया, और खुश होने लगती है। वो वॉशरूम में गर्ल्स बातें कर रही थी कि लुलू का मिस्टर गु के साथ चक्कर चल रहा है, लगता है दोनों बहुत लव करते एक दूसरे को, और लिन सुन लेती है। तो वो लुलू से आकर पूछती है क्या तुम्हें मिस्टर गु से लव हो गया। तो लुलू कहती है चुप हो जाओ हम सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। लिन कहती है तो इम्पॉसिबल है। लुलू कहती है इम्पॉसिबल नहीं है, लगता तुम उसे जेलस है। लिन सोचती है क्या वो मिस्टर गु मुझे धोखा दे रहा है। तभी मिस्टर गु उसे लंच पे बुलाता है। लिन वहाँ पे आती तो वो खुश हो जाता है। इधर सेक्रेटरी मिस्टर गु को आकर बताता है कि आपको लव हो गया है, सारे एम्प्लॉय गर्ल्स बातें कर रही हैं कि आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हो। मिस्टर गु सोचता है अच्छा लिन चाहती है कि सीक्रेट रिलेशनशिप रहे, और फिर सेक्रेटरी से पूछता है कैसे पता करूं कि लिन भी मुझे लाइक करती है। सेक्रेटरी कहता है वो जरूर आपका ध्यान रखेगी, आपकी बात मानेगी। इसलिए मिस्टर गु खुश हो रहा था कि लिन उसके कहने पे एकदम आ गई, और कहता है जो तुम्हें ऑर्डर करना कर लो। लिन कहती है क्यों, तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना चाहिए था ना। बट मिस्टर गु सोचता है लगता है ये बोलना चाह रही है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी लुलू ने झांक के देख रही थी कि लिन ने मुझसे पहले मिस्टर गु को पटा लिया, और फोटो खींच लेती है। फिर ऑफिस में मिस्टर गु और लिन मैसेज पे बात कर रहे थे, तो वो स्माइल करती है। फिर लुलू उसके लिए कॉफी लेकर आती है। लिन तो एकदम उसके बिहेव से हैरान थी, तो लुलू कहती है मुझे तुझे कहीं लेके चलना है, और उसे पकड़ के ले जाती है। इनफैक्ट वो उसके बहाने मिस्टर गु से मिलना चाहती थी, और कहती है ये मेरी फ्रेंड लिन है। लिन जेलस हो जाती है, उसे लगता है कि ये लुलू मिस्टर गु को पहले से जानती है। खाना खाते हुए टेबल के नीचे से लुलू अपने पैरों से मिस्टर गु को सिड्यूस कर रही थी, बट मिस्टर गु को लगता है कि लिन उसे सिड्यूस कर रही है, और वो खुश हो रहा था तो उसे सर्व करने लग जाता है। लिन टेबल के नीचे झांके देखती है कि लुलू उसे सिड्यूस कर रही है, तो कहती है मेरा पेट भर गया, और उठ के चली जाती है। मिस्टर लिन झांके देखता है टेबल के नीचे, ये तो लुलू थी, और वो उस पर गुस्सा करके चला जाता है। लिन बाहर आती है और अपने पांचों बच्चों को बुला लेती है, फिर वो उनके साथ खेलने लगी थी, बट लुलू देख लेती है और फोटो खींच लेती है कि इसके पांच पांच बच्चे हैं, तब भी मिस्टर गु को सिड्यूस कर रही थी। तो जाकर मिस्टर गु को बताती है कि तुम लिन को भाव मत दो, उसके पांच पांच बच्चे हैं। मिस्टर गु कहता है तुमने उसे फॉलो किया, और अपना मुंह बंद रखो, और उसे भगा देता है। सेक्रेटरी उसे जाता हुआ देख लेता है और मिस्टर गु को बताता है कि ये लुलू आप ट्राई मार रही है। मिस्टर गु कहता है और तूने मुझे अब बताया, तेरी सैलरी कट। सेक्रेटरी कहता है अरे बॉस यही तो बढ़िया मौका है, इससे पता चल जाएगा कि लिन आपको लाइक करती है या नहीं। पहले ये बताओ जब आप लुलू के साथ होते हो वो अजीब बिहेव करती है। मिस्टर गु को याद आता है लिन ने ऐसे किया था। सेक्रेटरी कहता है इसका मतलब वो जेलस है, यानी आपसे लव करती है, आप इस ट्रिक का यूज करके लिन को अपने क्लोज कर सकते हो। मिस्टर गु कहता है वेरी गुड, अब तेरी सैलरी डबल। सेक्रेटरी कहता है थैंक्स बॉस। फिर मिस्टर गु बैठा था तो लुलू आकर उसके साथ ड्रिंक करने लग जाती है।
जबकि सेक्रेटरी उनकी फोटो खींच रहा था। लुलू जान उसकी टल्ली होने का नाटक करने लग जाती है। मिस्टर को चलो कहीं और चलते हैं, तो वो दोनों उठ के चले जाते हैं। सेक्रेटरी फोन का कहता है अब मैं लिन को ये फोटो भेज दूंगा। इधर लिन रात में अपने पांचों बच्चों को कहानी सुना रही थी, तभी वो देखती है मिस्टर को लुलू के साथ है। अच्छा तभी तो ये अभी तक आया नहीं है। बच्चे पूछने लग जाते हैं मम्मी ये तो डैडी है, ये लड़की कौन है? वो कहती है कुछ नहीं बेटा तुम लोग सो, मुझे जरूरी काम है मैं अभी आती हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मी आप किसी और लड़की को डैडी को छीनने मत देना। लिन सोचती है तुम मेरे बच्चों के लिए स्टेप मॉम लेके आ रहे हो, अब तुम्हारी खैर नहीं है। इधर लुलू टली मिस्टर गु को रूम में ले आती है और उसे सड्यूस करने लगी थी कि अब तो तू मेरा है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो एकदम हैरान थी कि वो टली होने का नाटक कर रहा था। मिस्टर गु कहता है क्यों तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया? तुम्हें कंपनी में रूमर्स फैलाई थी ना कि तुम्हारा मेरे साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मिस्टर गु जाने लगा था और लुलू तो गई काम से। लिन सोचती है मैं अपने लिए नहीं मैं ये सब बच्चों के लिए कर रही हूँ, और गेट बचाने वाली थी बट मिस्टर गु गेट खोल देता है और कहता है तुम ये सब बच्चों के लिए कर रही हो अपने लिए नहीं। वो कहती है कुछ नहीं और जाने लगी थी। वो कहता है एक बार अंदर आकर देख तो लो कौन है मेरे साथ। वो अंदर आकर देखती है लुलू बैठी है, तो मिस्टर गु बता देता है उसे उसका लुलू से कोई लेना देना नहीं है तो वो जेलस ना हो। वो कहती है मैं जेलस नहीं थी मैं तो बच्चों के लिए आई थी, कहीं तुम उनके लिए स्टेप मॉम तो नहीं ढूंढ रहे? मिस्टर गु कहता है अब बस भी करो मुझे पता है, पर अगर तुम बच्चों को खुश रखना चाहती हो और खुद को भी और मुझे भी तो हम शादी कर लेते हैं, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। और फिर मिस्टर गु उसे बेड पर बैठा कर किस करने लगा था। वो कहती है ये लुलू यहीं पे है। मिस्टर गु कहता है उसे इग्नोर मारो वो चली जाएगी। तभी लुलू चली जाती है और वो दोनों किस करने लगे थे। पता चलता है कि दोनों बच्चे उनकी बातें सुन रहे हैं। यंग यंग कहता है इसका क्या मतलब है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? जाओ जाओ कहता है कुछ नहीं, हमें बड़ों के मामलों में टांग नहीं लानी चाहिए। युए कहती है पर मुझे पता है इसका मतलब है मम्मी डैडी साथ में सो रहे हैं। जाओ जाओ कहता है पर मम्मी को ये मत बताना, सब लोग कान खोल के सुन लो। तो सब बच्चे कहते हैं ओके ओके हम नहीं बताएंगे। मॉर्निंग में वो दोनों हक करके सो रहे थे और स्माइल करते हैं। लेकिन जाने लगी थी वो रोकता है तो कहती है मुझे काम पे जाना है। वो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ तुम्हें छुट्टी देता हूँ आज। वो कहती है नहीं काफी लेट हो रहा है, तो वो उसे किस करके जाने को बोल देता है तो चली जाती है। बट मिस्टर गु को उसके एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है मैं फौरन से वापस आ गई हूँ। कंपनी में एम्प्लॉय गर्ल्स लिन से तमीज से बात नहीं कर रही थी कि लुलू और मिस्टर गु रिलेशनशिप में थे, बट लिन मिस्टर गु को सड्यूस कर रही है। तो लिन लुलू को पकड़ के कोने में ले जाती है और कहती है ये सब रूमर्स तूने फैलाई है ना। बट लुलू जानबूझ के चिल्लाने लग जाती है कि तुझे लगता है मिस्टर गु तेरा हो जाएगा, वो तेरे साथ सिर्फ मजे ले रहा है, आखिर तेरा मिस्टर गु से रिश्ता क्या है? तभी मिस्टर गु आता है तो सारे एम्प्लॉयज चुप हो जाते हैं और मिस्टर गु लुलू को जॉब से फायर कर देता है। फिर वो सबको बताने लगा था, लिन मना कर रही थी बट वो उसे पकड़ के सबको बता देता है कि लिन मेरी फियांसे है और मेरे बच्चों की मॉम, और सबके सामने उसे किस कर देता है तो सारे एम्प्लॉय गर्ल्स खुश होने लगती। फिर वो दोनों साथ में थे तो ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं और पूछती हैं तुम दोनों कब शादी करोगे? मिस्टर गु कहता है जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो सब बच्चे खुश होने लगते हैं पर जाओजा चुप बैठा था। मिस्टर गु पूछता है तुम्हें क्या हुआ तुम खुश नहीं हो? वो कहता है क्या तुम सच में मम्मी को लव करते हो? मिस्टर गु कहता है और नहीं तो क्या। पर हम देखते हैं जाओ ने मिस्टर गु को किसी लड़की के साथ देखा था। इनफैक्ट मिस्टर गु अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। इनफैक्ट एक्स गर्लफ्रेंड पहले मिस्टर गु को छोड़कर चली गई थी बट अब शादी करने को बोल रही थी, तो मिस्टर गु बता देता है कि मेरी ऑलरेडी वाइफ है और हमारे बच्चे भी हैं, और चला जाता है। तो वो गुस्से में थी। फिर वो एक्स गर्लफ्रेंड लिन को मिल जाती है, मिस्टर गु की बातें कर रही थी तो लिन सोचती है इसका मिस्टर गु से क्या रिलेशनशिप है। फिर वो रात में मिस्टर गु से पूछती है ये येन कौन है, बट वो कहता है मुझे याद नहीं है और उसे सोने को बोल देता है। बट मिस्टर गु किसी को कॉल आता है तो वो बाहर कॉल पिकअप करने चाहता है, जिसमें एक्स गर्लफ्रेंड यानी येन खुद को मारने की कोशिश कर रही थी, तो वो कहता है ऐसा मत करो मैं आ रहा हूँ, और वो चला जाता है जबकि लिन जगी हुई थी। इधर एक्स गर्लफ्रेंड नीचे बेहोश पड़ी थी तो मिस्टर गु उसे उठाने लग जाता है और हॉस्पिटल लेके जाने लगा था। लिन कहती है तुमने उसे झूठ क्यों बोला? वो कहता है पहले इसे हॉस्पिटल ले चलूं फिर बाद में बात करेंगे। बट लिन रो रही थी। एक्स गर्लफ्रेंड होश में आती कहती है मुझे माफ कर दो मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, और उसे अकड़ लेती है। वो कहता है ओके खुद को जान से मत मारना। लिन सामान पैक कर रही थी और बच्चों को लेके जा रही थी। मिस्टर गु रोकता है तो कहती है तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड को भूले नहीं हो ना, ग्रैंडमा ने मुझे बता दिया है इसलिए मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मिस्टर गु कहता है ऐसी बात नहीं है। यू कहती है डैडी आप ऐसे कैसे कर सकते हो आप झूठे हो बैड डैडी कहीं के। यंग यंग कहता है डैडी मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ आप मम्मी को छोड़ के चले गए थे। मिस्टर गु कहता है अबे यार कोई मेरी बात तो सुन लो। जाओजा कहता है मम्मी हमें डैडी की बात भी सुननी चाहिए, वो आंटी हॉस्पिटल में है ना तो एक बार उनसे मिलने चलते हैं। फिर वो सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। मिस्टर यंग कहती है मिस्टर गु मुझे सही से बिठाना। यू कहती है क्यों आंटी तुम्हारी कोई फैमिली या फ्रेंड नहीं है क्या, मेरे डैडी को क्यों बोल रही हो? यंग यंग कहता है आपको कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है ना तो मैं आपको अपनी नैनी बना लूंगा। तो यान बीमार होने का नाटक करने लगती है। जाओजा कहता है आंटी तुम बीमार होने का नाटक कर रही हो ना ताकि मेरे डैड तुम पे दया दिखा दे।
और तुम मेरे मॉम डैड को अलग अलग कर दो। जैन कहती है, तुम बच्चे क्या बकवास कर रहे हो। जाओजो कहता है, मुझे पता है तुम्हारी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं थी। मिस्टर को कहता है, तुम्हें कैसे पता। फिर मिस्टर को वहाँ पे डॉक्टर को बुला के लाता है, पर डॉक्टर यैन के साथ पहले से मिला हुआ था और वो झूठ बोल देता है कि यैन को हार्ट डिजीज है। जाओजो कहता है, डॉक्टर तुम झूठ मत बोलो, मैंने रिपोर्ट देखी है। मिस्टर को कहता है, माफी मांगो, तुम झूठ बोल रहे थे। जाओजो कहता है, जब मैंने झूठ ही नहीं बोला तो मैं माफी क्यों मांगू, मैं अभी प्रूव कर देता हूँ, और भाग जाता है। बट फिर जाओजो खो गया था और कहीं मिल नहीं रहा था, तो लिन मिस्टर गु पे गुस्सा करती है। तभी मिस्टर गु को फोन आता है सेक्रेटरी का, जो बताता है कि आपको पता है डीके कौन है। डीके की लोकेशन आपके घर में ट्रैक हुई है और आपके घर में आपके आपके बच्चे और आपके वाइफ के अलावा कोई भी नहीं है। तो मिस्टर गु समझ आता है कि डीके कोई और नहीं जाओजाओ है। तभी तो उसे डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में पता चल गया था क्योंकि उसने हैक कर लिया था। इधर जाओजाओ सिस्टम हैक कर रहा था, बट तभी कोई आता है तो जाओजाओ चिल्ला पड़ता है। मिस्टर को काफी जगह ढूंढ के आया था पर जाओजाओ कहीं नहीं मिला था। लिन रोने लग जाती है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गया। तभी लिन को किसी गुंडे कॉल आता है जो कहता है, अपने बेटे को बचाना है तो 1 बिलियन लेके पहुंच जा। मिस्टर को कहता है, मेरे बेटे को हाथ लगाया उसे जान से मार दूंगा। इधर पता चलता है कि जाओजाओ किडनैप करने वाले कोई और नहीं, स्टेप सिस्टर और एक्स फियांसे हैं। बट उन्होंने जाओजाओ की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी ताकि वो पहचाना ले, बट जाओजाओ उन दोनों की आवाज से उन्हें पहचान लेता है। जियान ने पता लगाया था तो वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं जाओजाओ को बचाने के लिए, बट वहाँ कर देखते हैं कोई भी नहीं, सिर्फ रस्सियाँ बंधी पड़ी हैं। इनफैक्ट ये दोनों पहले ही जाओजाओ को वहाँ से ले आए थे, पर वहाँ पे उन्हें जाओजाओ का सामान गिरा मिलता है। तभी गुंडे का फोन आता है, लिन कहती है, मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना, हम पैसे तैयार रखेंगे, पर पहले मुझे मेरे बेटे से बात करा दो, मुझे चेक करना वो सेफ तो है ना। जाओजाओ फोन पे चिल्लाने लग जाता है, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसे सीक्रेट पासवर्ड बताता है जो मिस्टर को समझ आता है और उन्हें पता चल जाता है कि जाओजाओ कहाँ मिलेगा। तो वो हॉस्पिटल में जाकर यैन से पूछते हैं, बताओ मेरा बेटा जाओजाओ कहाँ है, बट यैन मना कर देती है, मुझे नहीं पता। मिस्टर को उसे पकड़ के ले जाता है, लेकिन गुस्सा होने लग जाती है, उसने कहा तुमने मान लिया, तुम उसे जाने दे रहे हो ऐसी। मिस्टर को कहता है, मेरी बात तो सुनो, जब वो जाओजाओ से मिलने जाएगी तब हम उसे पकड़ लेंगे, और उसे अक्कड़ लेता है। इधर स्टेप सिस्टर और एक्स फियांसे ने जाओजाओ को पकड़ रखा था, तभी वहाँ पर यैन आ जाती है। दोनों को भूख लग रही थी तो उन्हें खाना दे देती है और कहती है, इस जाओजाओ को मैं लेके जा रही हूँ। बट वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, किसी से तो हमें पैसे मिलेंगे, हम तुझे इसे क्यों दें। बट फिर उनको चक्कर आने लगे थे तो यैन कहती है, इस खाने में जहर था, यानी वो दोनों मर जाते हैं और यैन जाओजाओ को किडनैप करके ले जाती है। जब तक मिस्टर गु और लिन वहाँ पे पहुँचते वो दोनों वहाँ पे मरे पड़े थे और जाओजाओ वहाँ से गायब था। तभी उसे यैन का कॉल आता है कि जाओजाओ मेरे पास है और वो उसे टॉप फ्लोर पे ले आई थी। लिन कहती है, मेरे बच्चे को छोड़ दे, और मिस्टर गु उसे छोड़ने को बोल रहा था, बट यैन जाओजाओ को मारने लगती है, बट पैर फिसलने से वो पीछे गिरने लगी थी। जाओजाओ गिरने वाला था तो लिन उसे हक कर बचा लेती है, बट यैन मिस्टर गु को भी खींच लेती है जिससे मिस्टर गु भी बिल्डिंग से गिर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, मिस्टर गु हॉस्पिटल में था और लिन उसका ध्यान रख रही थी। यांग यांग और युए कहते हैं, डैडी हमने आपके लिए ड्राइंग बनाई है, प्लीज उठ जाओ ना। जाओजाओ कहता है, डैडी अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि मैं डीके हूँ, आपके उठने के बाद हम दोनों कॉम्पिटिशन करेंगे, उठ जाओ। लिन भी शादी करने को बोल रही थी, तभी मिस्टर गु उठ जाता है और कहता है, ओके। तो सब बच्चे खुश होने लगते हैं और वो दोनों भी खुश होते हैं तो हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गु वेट कर रहा था और ब्राइड लिन की एंट्री होती है, पांचों बच्चे फूल बिखेर रहे थे तो वो बहुत खुश होती है। ये पहली शादी थी जिसमें बच्चे अपने मॉम डैड की शादी में हैं। मिस्टर गु पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कहती है, बच्चों बताओ। तो बच्चे हाँ करने कहते हैं और वो हाँ कर देती है। मिस्टर गु उसे रिंग पहना देता है और दोनों किस करने लगे थे। सब बच्चे अपनी आईज पे हाथ रख लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, मिस्टर गु और जाओजाओ में कंपटीशन हो रहा था गेम का, जिसमें मिस्टर गु जीत जाता है तो जाओजाओ कहता है, मैंने आपको जीतने दिया क्योंकि आप मेरे डैडी हो ना। यूए अपने डैडी को किस कर देती है। तभी वहाँ पर लिन सबके लिए फ्रूट लेके आती है तो सब खाने लग जाते हैं। मिस्टर गु कहता है, मुझे खिलाओ, तो सब उसे खिलाने लग जाते हैं। फिर लिन उसे गुड न्यूज देती है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बहुत खुश होता है और हक कर लेता है और कहता है, पिछली बार तो मैं पांचों बच्चों को तुम्हारे साथ बड़ा नहीं कर पाया, पर इस बच्चे के लिए उसके जन्म से लेके बड़ा होने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो सब जने खुश होने लग जाते हैं और फिर साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।